जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएचएस कार्ड के बारे में। खास करके जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में जो जवान जॉब करते हैं, जॉब लगने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है सीजीएचएस कार्ड, उसकी बनवाने की जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे जवानों के मन में होता है कि भाई हम भी सीजीएचएस कार्ड बनवाए, क्योंकि अपने खुद की जब ड्यूटी पे रहता है तो थोड़ा बहुत इलाज की सुविधा होती है, लेकिन जब परिवार पीछे घर पे रहता है तो उसको मतलब क्या है, इलाज के लिए सीजीएचएस की जो फैसिलिटी है, जहां पे आपका परिवार रहता है वहां पे अगर सीजीएचएस की डिस्पेंसरी है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो सीजीएचएस कार्ड बनाने की पूरी प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस किस का कार्ड बनेगा, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीजीएचएस कार्ड, जैसे खास करके मैं आज का वीडियो में बात कर रहा हूँ सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के जवानों के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ज्यादातर वीडियो जो देखते हैं वही या तो भर्ती होने वाले बच्चे हैं या जो वीडियो देख देख के 2-3 साल के अंदर भर्ती होगी वही मेरे वीडियो देखते हैं। वैसे तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी सेम रूल है, लेकिन सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, पीएसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्सेज में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, अभी जो सैलरी आती है उसके अंदर आपका सीजीएचएस का आप देखेंगे सैलरी स्लिप के अंदर एक कॉलम होता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने डिपार्टमेंट में एक अप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे सीजीएचएस कार्ड बनवाना है। सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए मेरे खाते से 250 रुपए कटौती होती है कॉन्स्टेबल से लेके एएसआई तक, यानी रैंक वाइज अलग अलग कटौती है। पहले 250 रुपए की अगर आप कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल है, उसके बाद 450, फिर अगर आप इंस्पेक्टर है तो 650 रुपया, फिर गजेटेड अफसर है तो 1000 रुपए, मतलब हर रैंक वाइज अलग अलग अमाउंट होता है। तो कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल अगर आप है तो आपका 250 रुपए आपका पर मंथ की कटौती होती है। तो जब आप एप्लीकेशन देंगे डिपार्टमेंट में तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सैलरी से 250 रुपए की कटौती हो जाएगी और आपकी सैलरी स्लिप के अंदर 250 रुपए शो कर देगा जिसने सीजीएचएस कार्ड के लिए इसने कटौती कर दी है। अब आपकी जब पे से 250 रुपए कट जाएगा, उसके बाद आपको कार्रवाई क्या करनी है, सीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। आपको सीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको वहां पे ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपकी जितने डिपेंडेंट है, जैसे आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी वाइफ है, आपके अगर बच्चे हैं जिसकी 25 साल से कम एज है, या फिर आपका अनमेरिड सिस्टर है, अनमेरिड ब्रदर है, छोटा भाई, उन सभी के लिए आप उस डिपेंड्स में जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो उसमें सभी की डिटेल देनी पड़ेगी, सभी का नाम, सभी की डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप वगैरह पता है तो ठीक है, ब्लड ग्रुप जो भी डिटेल आपको उसमें ऑनलाइन मांगा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है, ऑनलाइन फिलअप करने के बाद में वो जो ऑनलाइन फिलअप फॉर्म आपने किया है उसको आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा। प्रिंट निकालने के बाद में फिर आपको क्या है, सभी की पासपोर्ट साइज की फोटो, डॉक्यूमेंट में सभी की पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी जितने आपके डिपेंडेंट थे, इसके अलावा सभी के आधार कार्ड की कॉपी लगेगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसके अलावा आपका जो डिपेंडेंट कार्ड अगर बन रखा है, जैसे सीआरपीएफ की बात करो तो आप अपना संभव एप्लीकेशन जाकर चेक करेंगे तो संभव एप्लीकेशन में आपको जितने आपके डिपेंडेंट है उनका डिपेंडेंट कार्ड आपको शो कर देगा, तो सभी के डिपेंडेंट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडेंट कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे आपके डिपार्टमेंट में जहां भी आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां के लिए आपको सभी सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे आप दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप सीजीएचएस की फैसिलिटी है वहां से आप करेंगे तो आपका एड्रेस होगा दिल्ली का शो करेंगे तो वहां से आपको एक मतलब सभी सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भाई मदर फादर का, या मतलब आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर डिपेंड है और ये किसी प्रकार के सरकारी जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो लगभग आपके यही डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में और पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद में और आपको मेन जो डॉक्यूमेंट छूट गया वो आपका सैलरी स्लिप, तो 250 रुपए आपका कट रहा है वो भी प्रूफ आपका होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो सीजीएचएस की डिस्पेंसरी होगी जो आपकी जहाँ पे ड्यूटी है या फिर आप घर पे जो नजदीक सीजीएचएस डिस्पेंसरी होती है उसके अंदर फिर आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, फिर सीजीएचएस डिस्पेंसरी से फिर आपका जो सीजीएचएस कार्ड जो है वो बना दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको सीजीएचएस कार्ड बनाने की प्रोसेस है, क्योंकि सीजीएचएस कार्ड बेहतरीन फायदा इसके अंदर कि आप अगर बनवा लेंगे तो आपके लिए मेडिकल सुविधा के लिए बेनिफिट हो जाएगा, आपको ज्यादा कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप जैसे घर पे भी हैं तो फिर आप सीजीएचएस डिस्पेंसरी में गए, वहां से आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, खांसी बुखार जुकाम के लिए दवाई मिल जाती है। अगर वहां आपको कोई चीज की आपको जो चेकअप करवाना या कोई और जैसे जो चीज की आपको ट्रीटमेंट करवाना वो आप डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जो सीजीएचएस पंडल में उसमें रेफर कर देते हैं, तो सीजीएचएस रेट पे आपका अमाउंट लगता है और वो भी फिर आप अपने डिपार्टमेंट में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो चार्ज आपका लगता नहीं है, तो बेहतरीन सुविधा है। अगर आपके जहाँ पे पोस्टिंग है या फिर आपका घर है जहाँ पे अगर डिस्पेंसरी है सीजीएचएस की फैसिलिटी है तो मेरा मानना है कि आपको फ्यूचर को देखते 250 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आपको सीजीएचएस कार्ड बनवाना चाहिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सीजीएचएस की डिस्पेंसरी कहाँ पे है, क्या
पूरी जानकारी आप सीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं और अपना सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस मैंने बताई छोटे से वीडियो के अंदर भी क्या प्रोसेस होती है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर प्रोसेस के संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में सही जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।